आंधी तूफान आने से शॉर्ट सर्किट होने से घर जला। आपको बता दें, सिदारगंज के गांव कटगरी मोड़ पर आंधी तूफान बिजली के तारों में बहुत शॉर्ट सर्किट से एक गरीब मजदूर परिवार का घर जलकर खाक हो चुका था। वहीं घर में रखा घरेलू सामान भी जलकर राख हुआ। हादसे के समय कोई घर में न होने से जनहानि का कोई भी मामला सामने नहीं आया। सितारगंज के पीछा रोड पर कटगरी मोड़ पर एक उस समय हड़कंप मच गया जब मजदूर करामा शाह और पप्पू के घर पर छप्पर जल गया, और जब वह घर पर नहीं थे तो आए तेज आंधी तूफान के चलते बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट से उनकी झोपड़ी में आग लग गई। ग्राम कटंगरी, जिला उधम सिंह नगर, तहसील सितारगंज से, और ये शॉर्ट सर्किट हुआ जो बिजली की लाइन गई है, 11,000 की लाइन है ऊपर से, वहाँ से स्पार्किंग हुई और इसमें एक झोपड़ी जल गई। ये गरीब लोग हैं, इसमें थोड़ा नुकसान हुआ है, जो भी 10-20-30 हज़ार का नुकसान है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इसमें भाई। यही ऐसे ही आगे जब लगी, आग लगी मौके पर थे तुम? हाँ, जब आग लगी तो मौके पर था मैं। ठीक, अच्छा। ये ग्राम कटहरी, तहसील सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर, कटहरी मोड़, लाइट के शॉर्ट होने के कारण जो यहाँ झोपड़ी थी आंधी से 10 मिनट पहले, जो ये सर्कल रेड तार जो है बिजली का, इससे शॉर्ट होने के कारण आग लगी झोपड़ी में, जिसमें कोई भी बर्तन नहीं बचा है। जो कि ये झोपड़ी पप्पू उर्फ करामत सागी है, जिसमें उनकी एक बर्तन, एक प्याली, एक कुछ भी नहीं बचा है। कितना नुकसान होगा? लगभग लगभग नुकसान का तो आइडिया नहीं लगा सकते हैं। इसमें बर्तन थे, उनके पंखे थे, सारा घर का टोटल सामान था इसमें। इसमें टोटल सामान था, लमसम इसका कोई आइडिया नहीं। अच्छा, कोई फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना दी गई? ना, उसे किसी को कुछ नहीं, मौका ही नहीं मिल पाया।